नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। ये वक्त है दिनभर की पूरी खबरों को एक ही बुलेटिन में देख लेने का। तो आइए नजर डालते हैं आज के कंप्लीट बुलेटिन पर। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। अगली खबर देखते हैं। छतरपुर में पहले YouTube स्टार के रूप में प्रिंस यादव का नाम सामने आया है। शहर के सटई रोड इलाके में रहने वाले राम सेवक यादव के पुत्र प्रिंस यादव को छतरपुर का पहला YouTube स्टार माना जा सकता है, क्योंकि उनके चैनल के सब्सक्राइबर 1,15,000 हो चुके हैं। YouTube पर 1,25,000 के करीब दर्शकों को जोड़ने वाले प्रिंस अपने YouTube चैनल, जो कि उनके नाम से ही है, उस पर कॉमेडी और रोमांटिक सॉन्ग डालते हैं और इसी के आधार पर उनके वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं। YouTube ने उनके चैनल को सराहा है और एक अवार्ड भी उनके लिए YouTube अमेरिका ने भेजा है। मैं YouTube पर वीडियो डालता हूँ और महाराज कॉलेज में अभी मतलब स्टडी कर रहा हूँ, बीकॉम सेकंड ईयर में। तो बस मैं पहले दूसरों की वीडियो देखता था, मतलब कोई मतलब बनाते थे लोग वीडियो, तो सोचता था शायद हमारे पास भी अवार्ड आए, मतलब हम लोग भी कुछ करके दिखाएं। तो मतलब मेहनत की और आज मतलब मेहनत का फल मिलेगा हम लोग को और हम लोग भी मतलब अमेरिका से यूट्यूब का अवार्ड ला सके। हम लोग मतलब कॉमेडी वीडियो भी डालते हैं और कवर सॉन्ग वगैरह भी डालते हैं, एल्बम सॉन्ग। तो मतलब इससे हमें मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों का और लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो आज मतलब 1,00,000 सब्सक्राइबर प्लस हो गए हैं और यूट्यूब का अवार्ड भी सिल्वर प्ले बटन आ गया है। हमारी टीम 5-6 लोगों की टीम है पूरी जी। एक जैसे हम प्रिंस यादव हम हो गए और अंकित कुशवाहा और अंबर तिवारी और अभिनव गंगेली, योगेश लखेरा और हरिओम सोनी, राहुल यादव, नैन्सी सक्सेना। तो मतलब हम लोग की 5-6 लोगों की पूरी टीम है। फिर लोगों से ये देखना चाहते हैं लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं। अगर आप उस पर काम करते हैं तो लोग मतलब आपकी वीडियो को पसंद करेंगे, आपको ही मतलब हमारे जैसा मतलब अवार्ड भी आपको मिल सकता है। तो बस आप मेहनत करते रहे, क्योंकि मतलब हम लोग का पहले 1-2 बार चैनल भी बंद हो चुके थे, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम लोग कंटिन्यू वर्क करते रहे। तो अब जाके मतलब हम लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जितना किया, लेकिन आखिर किया तो कम से कम। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। चुनाव की तारीख 6 मई है और चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो तैयारियां बची हैं उन्हें भी प्रशासन लगातार मेहनत करके पूरी करने में जुटा हुआ है। छतरपुर में चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए प्रेक्षक भी पहुंच गए हैं, जो लगातार दौरे और भ्रमण कर इन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसा ही एक दौरा प्रेक्षक के द्वारा मंगलवार को किया गया छतरपुर के एक्सीलेंस स्कूल में, जहां पर स्ट्रांग रूम भी बनाया जाना है और मतदान केंद्र भी बनाया जाना है। इस स्थान पर पहुंचकर प्रेक्षक ने यहां की व्यवस्थाओं को जांचा और इस मौके पर जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी। आज उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर में कमीशनिंग की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 3 विधानसभाओं के हम लोग कमीशनिंग कर रहे हैं। कमीशनिंग से बेसिकली आइडिया यही है कि हमको VU, CU और VUPAT हमको तैयार करके मतदान दलों को देनी होती है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि बैलेट पेपर उसमें इंस्टॉल करना और कैंडिडेट सेट करना। तो ये कार्रवाई चल रही है, इसके लिए हमारे तीनों ARO आज उपस्थित हैं, उनके समक्ष किया जा रहा है। इसमें हमारे ऑब्जर्वर जो सामान्य प्रेक्षक हैं उन्होंने भी निरीक्षण किया है, कलेक्टर साहब वगैरह ने भी निरीक्षण किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। सर, वोटिंग करने का समय कितने बजे होगा? समय है 7 से शाम 6 बजे तक। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मामूली सी विवाद पर एक महिला को उसके ही चचेरे देवर ने इस तरह मारा कि उसका सिर फट गया। मामला अलीपुरा से सामने आया है, जहां के यादव मोहल्ले में रहने वाले 2 परिवारों के बीच मामूली से विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हुई और उसके बाद हिंसक मारपीट सामने आई। एक महिला को उसके ही देवर जयप्रकाश यादव ने बुरी तरह पीटा, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद हुआ है, किसी से गुस्सा भरने के लिए गए हम, उन्होंने कहा कि देख कर हटा लो आप, और ऐसे तुरंत फिर गाड़ी आने देने लगे और बस वहाँ से मताई आ गई, बेटा आ गया, उसने तुरंत मार पीट कर इसको अंदर घुसे लो मारने के लाने अंदर मारो। जी चाची हैं मजा वाले, क्या नाम उनका? तो सब है जयप्रकाश लड़का को नाम, कृपाल उनके पति को नाम। नहीं, पहले से कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं थी कहानी, बस हम तो आपसी की नहीं, अब विवाद होता तो हम क्यों जाते उसके दरवाजे पे कहने के लिए कि आप ट्रैक्टर हटा लो, हम भूसा रख लें बेड़ा है, जो बेड़ा में रखूँ तो ट्रैक्टर सो मतलब बेड़ा बढ़ गया, अपना बढ़ गया। बेड़ा किसका था? बेड़ा हमारी जगह पे रखे थे, अपनी जगह पर नहीं रखे थे, सो हमने कही कि जो ट्रैक्टर सरकार लो, हम ट्रैक्टर आना भूसा पड़ा लें।
उन्हें की दरवाजे पे इतने पे उन्होंने पहले बाहर थी लट मारो फिर भीतर मारो। ये महिला अलीपुरा की रहने वाली है। इनकी ज़मीन पे इनके छोटे चाचा हैं, उनका ट्रैक्टर रखा हुआ था, तो इन लोगों ने उनसे बोला कि अपना ट्रैक्टर हमारी ज़मीन से हटा लिए। इसी बात पर से वो गाली गलौज करने लगी, इसी बात से विवाद हो गया, तो उन्हें लाठियों से मारपीट कर दिया। तो महिला की स्थिति ठीक है, उसको स्वास्थ्य केंद्र नौगांव लाया गया। पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई और उसको स्वास्थ्य केंद्र नौगांव दिखाया गया। अब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं इस बुलेटिन में खबर आपको छतरपुर शहर की। छतरपुर शहर में आज सैन समाज के लोगों द्वारा सैन जयंती को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें दिन की शुरुआत सबसे पहले समाज के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर की, जहां पर रोगियों से उनके हालों को जाना और उनकी बीमारियों से संबंधित जानकारी ली, व साथ ही सैन समाज के द्वारा फल वितरण का आयोजन भी किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में तमाम प्रकार के सामाजिक लोग भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जहाँ पर जिला अस्पताल के बाद वृद्ध आश्रम पहुंचकर भी वृद्धजनों को फल वितरण किए। उनका यह कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कामयाब रहा। और अब आपको बता दें कि संकट मोचन स्थित सैन समाज के मंदिर में भी सुंदरकांड का कार्यक्रम आयोजन किया जाना है, जिसमें पूर्ण आहुति और हवन यज्ञ के बाद प्रसाद वितरण भी कराया जाएगा। की सैन जयंती के उपलक्ष्य में 119वीं सैन जयंती के उपलक्ष्य में हम जिला सैन समाज संगठन की ओर से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वृद्धावस्था आश्रम हॉस्पिटल एवं समस्त मरीजों को फल वितरण किया जाए। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं विनोद मिश्रा। ये लाते इस खास खबर पर। यह खबर है कि छतरपुर तहसील में यहां पर पानी की समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं यहां पर एक हैंडपंप भी लगा हुआ है, लेकिन यहां पर प्याव की व्यवस्था की जानी थी, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी प्याव की व्यवस्था न होने की वजह से यहां पर अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश देखने के लिए मिला। यहां के अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर के SDM अनुभागीय अधिकारी से मुलाकात करते हुए यहां पर पड़ी हुई पानी की अव्यवस्थाओं को लेकर यहां पर व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की है। तो वहीं SDM ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहां पर प्याव की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं यहां पर लगे हुए वाटर कूलर को, जहां पर ये वाटर कूलर लगा हुआ है, वहां पर विद्युत की कमी है, इस वजह से यहां पर पानी की अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। हमारे अधिवक्ता संघ द्वारा अध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ एक वाटर कूलर उपलब्ध कराया गया था। लगभग 6 महीने से वो वाटर कूलर अतिरिक्त न्यायालय में रखा हुआ है, आज तक उसका कनेक्शन नहीं किया गया, जिससे यहाँ पानी की विकट समस्या है। सभी लोग जो पक्षकार और वकील वगैरह जो है, ये सब प्यासे घूमते हैं, प्यासों मरते हैं, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हैडपम्पों की दशा ये है कि हैडपम्प सूख गए हैं, उनमें पीने को पानी नहीं मिलता, बाहर दुकानों पर जाके पानी पीने के लिए मजबूर हैं, गंदा पानी पीते हैं, इससे भी बहुत बीमारियां हो रही हैं। माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय से कई बार हमने इस बात के संबंध में चर्चा की कि हाँ ये कनेक्शन करा दिया जाए, और वो वाटर कूलर जो रखा हुआ है उसका कनेक्शन करा दिया ताकि उसका उपयोग हो सके। तो माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय द्वारा कई बार ऐसा आश्वासन दिया गया, आज भी वही आश्वासन दिया गया है। नगर पालिका को फोन लगाते हैं, अब वो करते हैं क्या करते हैं, अगर ऐसी ही हालत रही तो ये मौसम भी ऐसे ही निकल जाएगा बिना पानी के। इस बारे में मैंने अध्यक्ष महोदय से चर्चा की थी कि आपके द्वारा जो वाटर कूलर लगा भेजा गया है वो अभी तक उपयोग नहीं किया जा रहा उसका, और आप कुछ प्रयास करें। तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि पहले एक बार जो यहाँ सक्षम अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, SDM महोदय हैं, इनसे कहा जाए, अगर ये नहीं करते हैं तो फिर अपन उच्च लेवल पर इस बात के लिए केवल पानी के लिए ही धरना वगैरह का प्रदर्शन करें। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबर को देखते हैं। छतरपुर के सागर रोड पर ग्राम ढड़ारी के समीप शक्कर की बोरियों से लदे एक ट्रक में अचानक आग लग जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। टीवी स्क्रीन पर देख रहे ये तस्वीरें ग्राम ढड़ारी के समीप सागर रोड हाईवे की हैं, जहां पर एक ट्रक में दोपहर के वक्त अचानक आग लग गई। इस ट्रक में शक्कर की बोरियां भरी हुई थीं और ये ट्रक छतरपुर की तरफ आ रहा था, तभी आगजनी की ये घटना सामने आई है। फिलहाल ये पता नहीं लगा है कि इस ट्रक में आग कैसे लगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी के इस भीषण मौसम में जब आसमान से 46 डिग्री तापमान के चलते आग बरस रही है, तब नीचे किस तरह से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस ट्रक की तस्वीरें काफी भयावह हैं और इसमें धू धू कर आग लग गई। दोपहर के वक्त करीब 2:30 बजे की यह घटना है जब यह आगजनी की घटना सामने आई।
हाईवे पर इस ट्रक में अचानक आग लग जाने के कारण हाईवे के दोनों तरफ राहगीर भयभीत हो गए और दोनों तरफ काफी देर तक खड़े रहे, इंतजार करते रहे। कहीं डर था कि कहीं इस ट्रक में कोई ब्लास्ट जैसी घटना ना सामने आ जाए। बहरहाल ट्रक में रखी हुई तमाम बोरियां जलकर राख हो गई, ट्रक भी बुरी तरह से जल चुका है। और इस घटना के लगभग एक घंटे बाद छतरपुर से फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। आपको बता दें कि इस खबर में एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि छतरपुर में फिलहाल सिर्फ दो ही फायर ब्रिगेड हैं और इन मशीनों में से एक मशीन खराब है, जिसके कारण आगजनी की घटनाओं में जो राहत पहुंचाने की बात होती है वो बेहद कमज़ोर हो जाती है और कई दफ़ा आगजनी की घटनाओं के बाद तुरंत मौके पर कोई राहत नहीं पहुँच पाती। ये तस्वीरें सागर रोड पर उस वक्त की हैं जब एक ट्रक में अचानक दोपहर के वक्त आग लग गई। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। पत्रकारों की सुरक्षा और उनको सुविधाएं देने के लिए श्रमजीवी पत्रकार संघ अक्सर पत्रकारों की लड़ाई लड़ता है। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने बुधवार को जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक मुख्यालयों पर अधिकारियों के नाम ज्ञापन दिए। इन ज्ञापनों के माध्यम से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक्ट बनाए जाने की मांग की। इसके साथ ही पत्रकारों को सुविधाएं मुहैया कराने की मांग भी की गई। छतरपुर में श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्याम खरे, महासचिव रामकिशोर अग्रवाल सहित तमाम पत्रकारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित कई मांगें सामने रखी। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शलभ भदौरिया जी के निर्देश पर 21 सूत्रीय मांगें रखी गई हैं, जिनका ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को दिया गया है और ये ज्ञापन प्रदेश के सभी जिलों में और ब्लॉकों में संवाददाता वो ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा। इसमें 21 सूत्री मांगों में पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों के टोल टैक्स में निशुल्क रहे और जो पत्रकारों के साथ प्रताड़ना ग्रामीण क्षेत्र में होती है उनके लिए एक्ट बनाया जाए, इस तरीके से 21 सूत्री मांगें रखी गई हैं जो माननीय कलेक्टर महोदय को दिया गया। सामाजिक परिवेश में कलेक्टर मोहित बुंदस जी ने जिला अस्पताल में बीते दिनों निरीक्षण किया था, वहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं और नया भवन जो अस्पताल का बना है उसमें बहुत जल्दी पूरा व्यवस्थित शिफ्ट कराने के लिए वो प्रयासरत हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि 6 तारीख को यहाँ चुनाव संपन्न हो जाएं, इसके बाद सबसे पहला काम अस्पताल की नए भवन में शिफ्ट करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। और पानी की जो व्यवस्था 2-3-4 दिन के अंदर उनके द्वारा की गई है, ये छतरपुर की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। ये खबर नौगांव से देखते हैं जो समाज को संदेश देने वाली खबर है। नौगांव के तहसील और अदालत परिसर में अक्सर बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पानी के पर्याप्त इंतजाम ना होने के कारण दिन दिन भर इस भीषण गर्मी में परेशान होते रहते हैं। नौगांव के अदालत परिसर में 75 साल के दुर्गा प्रसाद सेन ऐसे लोगों की समस्याओं का निदान बनकर सामने आए हैं। दुर्गा प्रसाद सेन पिछले कुछ वर्षों से अदालत आने वाले लोगों और वकीलों को पानी पिलाने का काम करते हैं। दुर्गा प्रसाद ग्राम दौनी के निवासी हैं और पानी पिलाने की इस सेवा को वे आत्मसंतुष्टि की सेवा बताते हैं। दुर्गा प्रसाद सेन के कारण ही तहसील में आने वाले लोगों को पानी मिलता है, साथ ही तहसील परिसर भी हरा भरा है क्योंकि वे पेड़ों में भी पानी डालते हैं। दुर्गा प्रसाद सेन की इस सेवा से यहाँ के वकील भी उनके कायल हैं। वो आज विगत 20-25 वर्षों से लगातार निस्वार्थ निःशुल्क सभी अधिवक्ताओं को एवं जितने पक्षकार आते हैं सभी को पानी सीट पर जा जा के पिलाता है। और जितने हमारे न्यायालय प्रांगण में वृक्ष लगे हुए हैं आज उसी की देन है। वो प्रत्येक साल माने प्रतिवर्ष माने डेली उसमें पानी डालता है, उसी के दम पर ये आज हमारे हरियाली है जो आज काफ़ी समय से जिसकी छाया सभी पक्षकारों को प्राप्त हो रही है। मैं वर्ष 1985-86 से नौगांव न्यायालय में सेशन न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ
और मैं देखता चला रहा हूँ कि दुर्गा प्रसाद सेन जो न्यायालय परिसर में जो पक्षकार आते हैं उनको निःशुल्क पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें बैठने के लिए बताते हैं और मतलब हर प्रकार से किसी भी पक्षकार को कष्ट नहीं होते, प्यासे को पानी पिलाते हैं, पेड़ जो यहाँ पर लगे हुए उनमें भी पानी डालते हैं, परंतु वो सब निःशुल्क करते हैं, शासन की ओर से ना कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। कई बार नगर पालिका परिषद को उन्हें 2 महीने के लिए नियुक्त करती है परंतु 2 महीने बाद उनका पारिश्रमिक देना बंद कर देती है, बाकी 10 महीने दुर्गा प्रसाद सेन फ्री काम करते हैं। इसलिए मैं शासन से अनुरोध करूँगा कि उन्हें कुछ ऐसी सहायता प्रदान की जाए जिससे वो निःशुल्क पानी की व्यवस्था जो पक्षकारों को करते हैं उन्हें कुछ पारिश्रमिक मिलता रहे और उनका जीवन पार कर आराम से हो सके। आप यहाँ कितने वर्षों से पानी पिला रहे हैं लोगों को? 20-25 साल हो गए। 25 साल से कब से मतलब आपने और पानी पिलाने से आपको कैसा लगता है? आप हमें सुख मिलो और आपके इससे पानी पिलाने के बाद कुछ मिलता है आपको? जीने जो कुछ दे जाओ सब ले जाओ, बाहर से अब मिलने लगी 500 रुपये। इसके अलावा भी कोई आय के स्रोत है ना आपके? हाँ। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने जिला मुख्यालयों के साथ साथ ब्लॉक मुख्यालयों पर भी ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं से जुड़ी मांगे शासन के सामने रखी हैं। बिजावर से खबर है जहां पर श्रमजीवी पत्रकार संघ की स्थानीय इकाई के द्वारा ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया। पत्रकारों ने मांग की कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाया जाना चाहिए, साथ ही उन्हें शासन के द्वारा सुविधाएं भी मुहैया कराई जानी चाहिए। हमारे पत्रकार बंधु आज यहाँ पे आए और महामहिम के नाम से कुछ पत्रकार बंधुओं की अपनी विशेष मांगे थे उनके उपलक्ष्य में दिया गया है, महामहिम के नाम सौंपा गया, उसको उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाए। माननीय प्रांत अध्यक्ष शरद भदौरिया के निर्देशन पर प्रतिवर्ष 1 मई को यह ज्ञापन सौंपा जाता है। इस बार का ज्ञापन 21 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपा गया, SDM के माध्यम से सौंपा गया है, जो उनके माध्यम से राज्यपाल के यहाँ जाएगा और उनकी मांगों को पूर्ण किया जाए कराने हेतु अनुरोध किया गया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इन दिनों अक्सर आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आगजनी की इन घटनाओं के पीछे एक मुख्य वजह किसानों के द्वारा खेतों में मौजूद अवशेषों को जलाने का भी है। किसान फसलों की कटाई के बाद खेतों में मौजूद अवशेष को आग लगा देते हैं और यही आग धीरे धीरे आसपास के खेतों में भी फैल जाती है। कई दफा ऐसा भी देखा गया है कि इस आगजनी के कारण पड़ोस के खेतों की फसलें जल जाती हैं और जन और पशुधन की हानि भी होती है। सरकार लगातार प्रयास करती है, लगातार किसानों को जागरूक करती है कि खेतों के ये अवशेष जिन्हें लोकल भाषा में नरवाई भी बोला जाता है उसे जलाने की कोशिश ना करें। इसके बाद भी नरवाई जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब शासन के नए निर्देशों के तहत और सुप्रीम कोर्ट NGT की गाइडलाइन के तहत ऐसे किसानों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी जो खेतों के अवशेषों को जलाने का काम करेंगे। कृषि विभाग कहता है कि खेतों में मौजूद नरवाई को जलाने से न सिर्फ उपजाऊ जमीन सत्यानाश हो जाती है बल्कि इस तरह की घटनाओं से आसपास आग भड़कने की आशंका भी बनी रहती है। इसीलिए कृषि विभाग छतरपुर जिले के किसानों को जागरूक करते हुए बार बार कहता है कि नरवाई न जलाई जाए। कृषि विभाग के सहायक संचालक मनोज कश्यप बताते हैं कि जब भी किसान खेतों के अवशेष जलाते हैं तो अवशेषों के साथ साथ जमीन में मौजूद बैक्टीरिया भी जल जाते हैं। ये वही बैक्टीरिया हैं जो जमीन को उपजाऊ बनाने में किसान के सहयोगी होते हैं, लेकिन किसान इनकी तरफ ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे नरवाई जलते रहने के बाद वो जमीन कुछ सालों में गैर उपजाऊ बन जाती है। कंप्लीट बुलेटिन में इतना ही। खबर दिन भर में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।